हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन योरपीडिया। जैसे आप सभी को पता है, गेट का रिजल्ट आने वाला है एंड पीएचडी, एमएस एंड एमटेक के एडमिशन के लिए वेरियस आईआईटी एंड आईएससी ने अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। होप आप सभी लोगों ने वो फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। एंड इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है एंड जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आज हम यहां देखने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुई हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स के लिए हुई हैं एंड आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं दैट इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यहां पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एंड इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैंने नेपटेल के वीडियोस की हेल्प ली है, दैट इज लेक्चर्स बाय प्रोफेसर अमीशा फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो यहां पर हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एनी स्ट्रक्चर। नाउ यहां पर हमसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात आती है तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स, क्लियर, इन अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो यहां पर हम बात करते हैं कि कितने तरह के मेंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो हमने पढ़े ही हैं जैसे कि हमारे पास एक्सियल मेंबर्स हैं, दैट इज बीम एंड फ्रेम मेंबर्स, केबल्स, तो ये कुछ हमारे पास मेंबर्स हैं। एंड इन मेंबर्स को अरेंज कर एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हम एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रक्चर। तो गाइज सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक प्लान होता है जो कौन देता है, आर्किटेक्ट देता है। एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज से यहां पर मतलब है कि जो भी लोड लगेगा उस लोड की वजह से डिफरेंट मेंबर में जिस तरह के फोर्सेस आएंगे, क्लियर, उसको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। एंड उस फोर्स को डिटरमाइन करने के बाद हमें उस फोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने मेंबर को डिजाइन करना है, जो कि हम करते हैं डिजाइन ऑफ रेनफोर्स स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स में, क्लियर। नेक्स्ट जब हम उसको डिजाइन कर लेंगे, फर्दर हमारे पास जो स्टेप है दैट इज ड्रॉइंग और डिटेलिंग। एंड देन वो ड्रॉइंग एंड डिटेलिंग साइट इंजीनियर के पास जाती है और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं ये क्लियरली आप डिटेल्ड में इस वीडियो के अंदर, जिसका मैंने लिंक यहां पर मेंशन किया है, इसमें पढ़ सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं, जिसके आंसर की जो टाइमिंग है दैट इज 5.06 मिनट टू 7.20 मिनट्स। सो गाइज यहां पर आप इसको डिटेल सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। सिमिलरली यहां पर इसी वीडियो से नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बन सकता है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इन सिंपल टर्म्स। तो इस आंसर का भी लिंक जो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया आपको वीडियो के तौर पे, तो इसको भी आप यहां से रेफर कर लेना। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी डिटेल सॉल्यूशन आप इसमें से देख सकते हैं। नाउ तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग टू सपोर्ट्स। तो आप सभी को पता है कि कितने तरह के सपोर्ट्स हम यूज करते हैं, बेसिकली दैट इज रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट एंड हिन सपोर्ट। तो वी नो दैट कि कितनी रिएक्शन इन स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड रोलर से है, कि वी नो दैट कि इंक्लाइंड रोलर एंड हिन सपोर्ट दोनों ही हमारे पास एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं देते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड रोलर के लिए वन रिएक्शन लेते हैं एंड हिन सपोर्ट के लिए टू रिएक्शन लेते हैं, ऐसा क्यों? सो गाइज मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दो कमेंट्स के अंदर, कि आप खुद इसको अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को और खुद सोचो और कमेंट में इसको बताओ। मैं जो इसका आंसर दो दिन बाद अपलोड करूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, आप इसको कलेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में से, क्लियर गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज कैलकुलेट द फोर्स इन मेंबर एसी। गाइस हमारे पास यहां पर एक ट्रस है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की ट्रस है, इसमें हमें एसी मेंबर में फोर्स निकालना है। तो हमारे पास ट्रस को एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं, दैट इज मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन। आप किसी भी मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें लेंथ नहीं गिवन, तो एक ट्रिक से हम इसको बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो गाइस आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना एंड इसका जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप इसको सोल्व करना और इसका आंसर रेफर कर लेना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, मुझे लगता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम्स।
तो बेसिकली हम सभी को पता है कि ट्रस में जो ज्वाइंट्स होते हैं दैट इज पिन ज्वाइंट, एंड स्ट्रक्चर में जो ज्वाइंट होते हैं दैट मे बी रिजिड और पिन ज्वाइंट, क्लियर। एंड जो हम ट्रस के अंदर जो फोर्स लगाते हैं दैट इज ऑन ज्वाइंट्स, एंड जो फ्रेम के अंदर जो लोड लगता है दैट इज ऑन मेंबर एंड ऑन ज्वाइंट्स कैन बी। सो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। इसकी जो टाइमिंग्स है आंसर की दैट इज 3.12 मिनट टू 9.08 मिनट, तो आप यहां पर इसको रेफर कर लेना। तो क्लियर है गाइस, अभी स्टार्टिंग के लिए ये पांच क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूं। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम फर्दर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और सच क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके पास। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर इंटरव्यू।